मेरा नाम प्यूडीपाई है। मैं पहले ASMR की वीडियोस देखता था। इन वीडियोस को देख देख के मैं कहाँ तक पहुँच गया, अब मेरे पे जीने की वजह नहीं रही है। और मित्रों, क्या हाल चाल है? अब पहले के समय में JCB की खुदाई समझ में पड़ता था, एक अच्छा ट्रेंड था, बहुत अच्छा ट्रेंड था। अपना 5 मिनट क्राफ्ट, वो आपकी जिंदगी में सफल करते थे, नहीं भी करते थे, करते थे पर वो बात अलग है। पर अब एक नया ट्रेंड आ चुका जो बिल्कुल ही हवा की तरह और शक्तिमान की तरह बढ़ता ही जा रहा है, ASMR। ASMR मतलब एक अलग ही टाइप का बच्चोदी टाइप का ट्रेंड है, तो उसको हम विस्तार से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात मेरे साथ। अब जो अपना ट्रेंड है उसका नाम है ASMR। थैंक यू अंकल जी, आपने हमारी इतनी मदद करी। अब देखिए, ASMR के बारे में जो आपको अंकल जी ने बोला है, इसका मीनिंग मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा था। इसका मीनिंग होता है जैसे कुछ चीज़ों से अपनी आत्मा को शांत करने से आपको नींद नहीं आ रही, तो आप ASMR का मतलब यूज़ कर सकते हैं। विकिपीडिया पर ऐसे कुछ मतलब बता रहे हैं इसके बारे में, अब आप खुद जाके पढ़ ली, मेरे को पता नहीं क्या अटपटा है इसका जो भी है। अब देखिए, इसके बारे में बता रहे हैं कि कुछ ऐसे गाने होते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें जिनसे आपको नींद आए। पर अब YouTube पे अलग ही टाइप की बच्चों दी, ASMR पर आप सर्च करेंगे तो आपको खाने के वीडियोस मिलेंगे। अब आप एक बार बताइए, ठूसती हुई आवाज़ को सुन सुन के आप सो सकते हैं? मैं तो सो नहीं सकता हूँ। तो अब आपको ऐसी कुछ क्लिप्स मैं दिखाऊंगा जिन क्लिप्सों के अंदर आपको सिर्फ बच्चों दी मिलेगी। तो देखिए पहली क्लिप। समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कर रही, पर आपको समझना पड़ेगा ये बच्चोदी है। अब देखें आगे और ये क्या करती है इस वीडियो में। oh yeah, that's good. A little spicy. अब इस वीडियो के अंदर पूरे 17 मिनट के अंदर इनने बस अपने मुंह से एक अलग अलग आवाजें सुनाई है, खाने की, चबाने की, चूसने की, मतलब अलग अलग टाइप की। और इन आवाजों को सुन के आप कोई सोच सकता है तो वो इस दुनिया का नहीं है, वो उनके लिए ये चीजें नहीं बनी है, वो कृपया करके दूसरे ग्रह पे जाके ढूंढिए, यहाँ तो है नहीं। अब आगे देखते हैं अपन अगली। अब जो लौंडे लपाड़े होते हैं वो इस वीडियो को पूरा 25 मिनट तक देखेंगे, क्योंकि उनको भाड़ में आना, हमें दूसरी वेबसाइटें देखनी है, हमें इसी वीडियो को 25 मिनट तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो ताड़ने की चीज है वो कहीं और नहीं मिलेगी। और ऐसी अटपटी चीजों को झेलते रहेंगे। तो आगे देखिए और अब हम लोगों को एक वीडियो को बनाने के लिए पहले हमें कंटेंट देखना पड़ता है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर उसको देखने के बाद एडिटिंग करो, रिकॉर्डिंग करो, साला गर्मी में मर के करो। पर इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, ये पंखे में बैठे बैठे ही माइक के सामने अटपटे ब्रश की आवाजें निकाल रहे हैं, मुंह से अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं, और ये वीडियोस पे 1-1, 10-10 मिलियन व्यूज तो ऐसे ही आते हैं। यानी हम लोग तो चूतिया हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कल से मैं भी काम करता हूँ, ASMR की वीडियोस बनाना चालू कर देता हूँ, माइक ले आता हूँ, उसके बाद ब्रश फेर देता हूँ। देखते हैं आगे तीसरी क्लिप के अंदर, उसमें भी क्या चूतिया गिरी है। अब जैसे इसके पास कोई जाता है, जैसे कोई बाप जाता है अपने बच्चे की बीमारी लेके, तो वो कैसे बयान करेगा, आप सुनिए। ओ बहन जी, साढ़े मुंडे की वड्डी तबीयत खराब हो पई है, तुसी कुछ इलाज बताओ, साढ़े मुंडे नू राती वेले नींद भी नहीं आती, तुसी कुछ इलाज कीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, बस अपने बच्चे को कहिए कि मेरी तरफ फोकस करें, मैं भी आपको एक आवाज सुनाऊंगी, उस आवाज को बस आपका बच्चा ध्यान से सुने, ठीक है बेटा? इधर देखो जरा, मैं आवाज आपको कुछ आवाजें सुना। बजड़ी के मतलब आपने इस वीडियो के अंदर देखा, इनने बस हाथ ही हाथों से
कुछ भी अटपटी आवाज निकालने लगा, मतलब उंगलियां हिलाना, नाखूनों से कुछ भी अलग 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 टाइप की आवाज निकालना, यानी 30 मिनट के अंदर इनने सिर्फ चूतियागिरी करी है और कुछ नहीं किया। और YouTube पे ये गिनती के 3 वीडियोस नहीं है, इनके अलावा और वीडियोस भी YouTube पे आपको मिल जाएगी ASMR के नाम से, तो देख लीजिए। मतलब आपको इस वीडियो से संतुष्ट हो गए हो तो ठीक है, वरना कोई बढ़िया नहीं, YouTube पे और पढ़िए, जाके देख लीजिए। अरे आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस बार इस वीडियो में 25 लाइक का एम है, बड़ा कम है पर तुम लोग करना है। और अरे आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, माता रानी पाप लगाएगी, मैं नहीं जानता, फिर आप लोग निपटो। एंड गुड बाय।